हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का मेरे 15th लेसन में आज स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा 15th लेसन हो गया। आप सब सोच रहे होंगे कि कल मैंने बोला था कि मेरे एग्जाम्स है तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन दोस्तों आज मेरे को टाइम मिल गया और हर रोज़ मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस समय वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। तो ऐसे ही रहिए। ओके दोस्तों, तो अब आज हम लास्ट एंड फाइनल एलिमेंट्री चेकमेंट सीखेंगे, जो है दोस्तों, गैस कीजिए, एलिमेंट्री चेकमेट विद बिशप एंड नाइट। तो दोस्तों आज मैंने बोर्ड नहीं लगाया, तो दोस्तों अभी मैं जल्दी से सारी पोजीशन बना देता हूँ। सो या दोस्तों, ये है हमारी पोजीशन। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे व्हाइट इस साइड है, तो मैं आज भी उसी साइड हूँ। तो दोस्तों आज अब हम इसके बारे में मूव्स देखते रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले राजा को जो है वो चेक देंगे। दोस्तों दोस्तों हमारा नाइट इधर है, तो दोस्तों ऐसे हम चेक देंगे, फिर वो जाएगा दोस्तों इधर। तो दोस्तों आप स्क्वायर का नाम बता सकते हैं? बताइए दोस्तों। तो इस स्क्वायर का नाम है KF, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो मैं इस स्क्वायर का नाम है F4। तो अब हमारे किंग को चलना है वो जगह है ये दोस्तों। तो दोस्तों इस जगह चलने के बाद क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। इस जगह तो हमने अब हमारा बचा लिया है, तो अब वो क्या चल सकता है दोस्तों? वो कुछ नहीं करेगा, सिंपली वो इधर जाएगा दोस्तों। तो इधर जाने के बाद दोस्तों बताइए क्या होगा इधर जाने के बाद? अगर वो चला गया तो क्या हो सकता है दोस्तों? वीडियो पॉज कीजिए टाइम लेने के लिए, और मैं आपको सिर्फ थोड़ी देर ही दूंगा। तो दोस्तों इस पोजीशन के बाद वो ऐसे जाएगा दोस्तों। सो या दोस्तों, ऐसे जाने के बाद आपके हिसाब से क्या हो सकता है? तो दोस्तों वीडियो पॉज कीजिए ज़्यादा टाइम के लिए और सोचिए कि क्या हो सकता है, टाइम लीजिए। और दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि वो इधर जाएगा दोस्तों। तो इधर जाने के बाद आपके हिसाब से हो क्या सकता है दोस्तों? ये तो मैंने बताया, अब वो इधर जाएगा दोस्तों, वो फिर से वापस इधर आ जाएगा दोस्तों। तो बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो अब मेरा प्लान है दोस्तों, आप लोग अपना भी प्लान कर सकते हैं दोस्तों। आप ये जानते हैं कि ये सब प्लान मैं अपने बताता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो आपके कोई और भी प्लान हो सकता है दोस्तों। मैं बोलता हूँ कोई और भी प्लान बनाओ, अगर आप कोई और प्लान बनाओगे तो ये अच्छी बात होगी मेरे लिए, क्योंकि जैसे मीन्स कि आप सीख रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके बाद जो हमारा बिशप है वो इधर जाएगा, या दोस्तों तो इधर जाने के बाद आप सबके हिसाब से क्या हो सकता है दोस्तों? वीडियो पॉज कीजिए, टाइम लीजिए और देखिए। अगर दोस्तों आप भी मेरी तरह थोड़ा सा सेम जा रहे हैं दोस्तों, तो देखते जाइए। ओके दोस्तों, तो देखिए और सीखिए अगर आप चाहिए। मैं तो बस अब आपको एलिमेंट चेकमेट बता रहा हूँ, इसके बाद कुछ नॉर्मल से मूव्स होंगे। तो यही मैं अपना कोर्स चालू कर चुका हूँ, मतलब पहले से जो मेरा पहला वीडियो था वही से कोर्स चालू हो चुका था दोस्तों। तो ये जब हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे चेस, तब ये पूरा कोर्स हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अभी इस पर फोकस कीजिए कि कहाँ जाएगा वो। या दोस्तों आप सोच सकते हैं, पॉज कीजिए वीडियो को ज़्यादा टाइम के लिए। सो दोस्तों यही मैंने आप लोगों का होमवर्क तैयार कर दिया है, अगर आप लोगों ने पॉज किया है तो। दोस्तों उतने स्टेप्स तो मैंने बता ही दिए थे, कल मैं आपको मिलूंगा और भी स्टेप्स से, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आप सभी को होमवर्क देके जा रहा हूँ। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि दोस्तों वरना आप चेस की अच्छी नहीं होगी और फिर आप सोचेंगे कि मैं चेस सिखाता नहीं हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, मैं प्रैक्टिस आप लोगों को इसलिए देता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो, होमवर्क में इसलिए देता हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो और आप सब अच्छा करें। क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किंग के अंडर में है ये ब्लॉक, उसका नाम बताइए दोस्तों। इसका नाम होगा A6 दोस्त, सॉरी दोस्तों A7 दोस्तों। और इधर इधर तो नॉर्मली वो नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी वो बिशप के अंडर में है, और दोस्तों ये वो जगह नाइट के अंडर में है दोस्तों। तो अब आपको ये बताना है यहाँ तक कैसे पहुँचाओ। यहाँ तक पहुँचने की बहुत बड़ा प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। तो
कल हम थोड़ा सा वीडियो बड़ा बना लेंगे या देख लेंगे अभी क्या करना है। अभी आप इन सब पे मत सोचिए, तो होमवर्क कीजिए। अगर आपके पास कोई शॉर्ट तरीका हो तो मैंने आपको एल्जेब्रिक नोटेशंस बता रखे हैं, वो एल्जेब्रिक नोटेशंस है कि एक बॉक्स को नाम कैसे करना है फाइल्स और रैंक्स की मदद से दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही सीखिए और ये होमवर्क पूरा कीजिए। पिछली बार तो मैंने आपको सीधा ही बता दिया था और आपको आगे और पीछे दोनों के चेक मेटिंग का बताना था, तो दोस्तों इस बार तो मैं थोड़ा बहुत आगे का बता चुका हूँ। तो दोस्तों बस आपको इतना बताने कि मैं यहाँ तक कहाँ कैसे पहुँचा, बहुत बहुत सारे मूव्स हैं दोस्तों, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सोचिए आपके पास अगर कोई शॉर्टर मूव हो तो एल्जेब्रिक नोटेशंस की मदद से लिखिए। सो थैंक यू दोस्तों एंड बाय बाय। प्लीज़ ये होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा और लिखिएगा कि क्या क्या है, और मैंने आप सभी को नाम नाम भी बता रखे हैं कि कैसे लिखना है। चलो बाय बाय दोस्तों।